अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। इसी के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश की ढाल है, जहां लोग उत्साह के साथ सीमा की रखवाली कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि पुरानी पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है, उनकी लोगों को छलने की आदत है। जब भी देश उपलब्धियां हासिल करता है तो उनको खुशी नहीं होती है। हर कोई, चाहे उसकी सामाजिक और वित्तीय स्थिति खराब हो, लेकिन भारत की सफलता की कहानियां वो गर्व से सुनाता है और गर्व से सुनता भी है। उन्होंने लोगों से चुनावों में विपक्षी दलों को दंड देने का अनुरोध किया है। जब भी भारत आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारता है तो विपक्षी दलों को दुख होता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने उपलब्धियां हासिल की तो उन्होंने कमतर करने के बहाने ढूंढ लिए। विपक्षी दल आतंकवादी समूहों की भाषा बोलता है, यहाँ तक कि पड़ोसी देश का समर्थन भी करता है, जबकि भारत अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने राज्य के लोगों का केंद्र और राज्य में भाजपा डबल इंजन सरकार चुनने के लिए आभार जताया है। मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में कमल पहली बार अरुणाचल में ही खिला था, यह अरुणाचल के वासियों और उनके समर्थन के कारण ही संभव हो पाया है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र ने पिछले 5 सालों में 50,000 परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। इसी के साथ 40,000 माताओं को और बहनों को गैस कनेक्शन दिए हैं। 1,00,000 से अधिक परिवारों के लिए शौचालय बनाए हैं। हमारी सरकार ने आपकी उम्मीदों और आकांक्षाओं का सम्मान किया है। इस चौकीदार ने आजादी के 7 दशक बाद अरुणाचल प्रदेश को देश के रेलवे मानचित्र में आने का मौका दिया है। मोदी ने कहा कि जब मैं पूर्वोत्तर के दौरे पर आदिवासी की टोपियां और पारंपरिक पोशाक पहनता हूं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पे हंसते हैं। उनके लिए ये महज आदिवासी पोशाक होगी, लेकिन मेरे लिए ये पोशाक पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का परिचायक है। इसी के साथ मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वंशवादी शासन के तहत 55 वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए आधुनिक ढांचा दूर की कोड़ी थी, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि क्षेत्र में और दिल्ली में भाजपा का झंडा ही लहराएगा। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भाजपा के लिए सौभाग्यशाली है।